Audio Jungle. गौरा ब्याहन आए महादेव गौरा ब्याहन आए ना लाए घोड़ा ना लाए हाथी नंदी पर चढ़ के आए महादेव गौरा ब्याहन आए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पंक्तियों से आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे किस लिए और क्यों रंगोली बना रहे हैं। तो आज है रंग भरी एकादशी और हम बनारस से बिलोंग करते हैं। बनारस में रंग भरी एकादशी का एक अलग ही एक अपना एक अलग बहुत ही सुंदर माहौल रहता है। सब जगह सभी मंदिरों में बाबा जहाँ भी भगवान जी की प्रतिमा होती है उन सभी जगहों पे रंग भरी एकादशी बाबा को अर्पित की जाती है, भगवान जी को लगाया जाता है, अबीर गुलाल से उनको सजाया जाता है, श्रृंगार होता है। तो मैंने भी यहाँ पे अपने बनारस के गाय घाट पे ये रंगोली बनाई थी और रंग भरी एकादशी की आज ये सुबह बहुत ही खास रही, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इतनी सुबह उठ के घाट पे जाना एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे जो लोग भी यहाँ से हैं, जो लोग नहीं हैं, जो लोग पहली बार बनारस आते हैं तो घाट ज़रूर जाते हैं और उनको पता होगा कि घाट पे जाना एक अलग ही सुकून देता है, एक अलग ही वहाँ का माहौल रहता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा रंग भरी एकादशी का दिन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था हमारा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी बहुत अच्छा जाएगा और अच्छा ही हो, यही मेरी मनोकामना है बाबा विश्वनाथ से। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मैंने बीच में बहुत ही कलरफुल सा कुछ क्रिएट किया है जिसमें मैंने बहुत ही सुंदर सी कोटेशन लिखी है, जो पंक्तियाँ मैंने बोली हैं उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर रंगोली बनाई है। जी हाँ, रंग भरी एकादशी बनारस में इसलिए स्पेशल है बिकॉज क्योंकि हमारे महादेव हमारे भोलेनाथ शिव शंकर जी ने अपनी पत्नी माँ गौरा को गौना करा कर लाते हैं, इसीलिए रंग भरी एकादशी के रूप में इसको बहुत ही ज़्यादा उत्सव के साथ मनाया जाता है। हमारे यहाँ इनकी शोभा यात्रा और उनका गौना का पूरा रैली निकलता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मैं भी गई थी दर्शन करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें लगा वहाँ पर दर्शन करके। ऑफकोर्स बाबा का दर्शन करके तो किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो जैसा कि आपको बीच में यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने लिखा है गौरा चली ससुराल, उसके आगे लाइन अभी आपको पता चल जाएगी, थोड़ा सस्पेंस बर्दाश्त करिए, थोड़ा रखिए ध्यान। तो जैसा कि अभी आपको दिख रहा हो मैंने यहाँ पर लिखा है गौरा चली ससुराल, उसके आगे की लाइन आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स मैंने इसको दे दी है सिंपल सिंपल सा अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके मैंने चौक से यहाँ पर डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। फ्लोर आपको पता चल रहा होगा कि फ्लोर बहुत ही नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन तो था बट बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ थी जिससे रंगोली बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब तक प्लेन सरफेस नहीं होता है वहाँ पर हम लोग रंगोली नहीं बना सकते हैं, दिक्कत आती है, बन तो जाएगी बट लेकिन वो चीज़ें नहीं होती जो हम क्लीन सरफेस पे बना सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जहाँ चाह होती वहाँ राह मिल जाती है और बाबा के लिए तो सब कुछ है। और हमारी शुरुआत आज रंग भरी एकादशी की शुरुआत बाबा के साथ पहली होली हमने खेली और उनको रंगों से गुलालों से सराबोर कर दिया और ख़ुद भी हम लोग मैं नमामि गंगे टीम के द्वारा वहाँ पे गई थी तो उन लोगों के साथ होली खेला, बाबा के साथ होली खेला और एक अलग एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अच्छी सुबह थी आज की, मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल था। तो नीचे की लाइन में लिखा है मैंने बरसे अबीर गुलाल, पहली लाइन थी हमारी गौरा चली ससुराल बरसे अबीर गुलाल, तो उनका गौना था और इसीलिए रंग भरी एकादशी का भी दिन है, इसलिए मैंने यहाँ पे उनसे रिलेट करते हुए अपनी रंगोली बनाई है। बीच में आपको थोड़ी सी शिवलिंग हमारे जो जिस घाट पे मैंने बनाया था वहाँ पे बहुत बड़े से द्वादश ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, तो उनका भी छोटा सा आपको वीडियोस इसमें दिख ही गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी रंगोली डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगेगी। प्लीज़ जितने भी बनारस के लोग हैं या फिर आउट ऑफ बनारस के हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों तक सारे बनारसियों के पास तक मेरी रंगोली अगर पहुँचती है और वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जिस जगह से हो और उस जगह के लोग अगर आपके काम को आपको अप्रिशिएट करते हैं तो इससे अच्छी खुशी की बात एक आर्टिस्ट के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ बट
जो भी रहता है आप सबके सामने अपनी बातें कह देते हैं, अपनी सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि साइड में मैंने यहाँ पे अपने टूल्स की हेल्प से यहाँ पे एक चौड़ा सा बॉर्डर जिगजैग फॉर्म में क्रिएट कर दिया है। इतना सुंदर रंगोली बना था ना, पूरा कलरफुल, और ऊपर से हम लोग भी सारे कलरफुल हो गए थे, तो और भी ज़्यादा बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। तो फाइनली आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स थी उसको यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं किया था, कोई पोर्ट्रेट फिगर वगैरह नहीं है, बस मैंने एकदम एक सिंपल सी यहाँ पे माँ गौरा और प्रभु महादेव के लिए यहाँ पे रंगोली बनाई थी। बिकॉज जिस घाट पे हम रंगोली बनाते हैं वहाँ पे बहुत बड़े से शिवलिंग थे और वहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, तो उनसे रिलेट करते हुए मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल से आज अपनी कोटेशंस वाली रंगोली डिज़ाइन बनाई है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लीज़ इसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और हम नमामि गंगे टीम से जुड़े हुए हैं तो उनका नाम तो लिखना बनता है। मैंने यहाँ पे ऊपर के साइड में लिखा है नमामि गंगे हर हर गंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव हर हर गंगे ज़रूर से लिखेगा। और आप सबको रंग भरी एकादशी और होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ये दूसरी होली है आप सबके साथ, तो फाइनली हमारी रंगोली बन गई।